अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों आपका आज मेरे साथ टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टू में कॉनफॉर्मल मैपिंग। कॉनफॉर्मल मैपिंग आपके पास क्या होती है बाय डेफिनेशन आज हम देखेंगे। किस तरह आपको पता चलता है किसी भी मैपिंग के अकॉर्डिंग के वो कॉनफॉर्मल मैपिंग है। वो कंडीशन सबसे पहले बनाएंगे, फिर उस कंडीशन को देखेंगे और एट द एंड उस कंडीशन से रिलेटेड एग्जांपल्स भी करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। ज़िल की बुक से चैप्टर नंबर 7 है, वहाँ पे कॉनफॉर्मल मैपिंग का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपके साथ मैंने कॉनफॉर्मल मैपिंग की जो डेफिनेशन और कंडीशंस डिस्कस करनी है वो इन सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड और एंगल है, या अदर वर्ड्स में ये कह सकते हो बाय डेफिनेशन है कॉनफॉर्मल मैपिंग की एक कंडीशन। जब आप कॉनफॉर्मल मैपिंग को डिस्कस करते हो बेसिकली आपके पास कोई से दो प्लेन होते हैं। फर्स्ट प्लेन जो होता है उसको आप जी प्लेन कहते हो, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो उसका इमेज बनता है उस प्लेन को आप डब्ल्यू प्लेन कहते हो। आपने कोई से दो प्लेन लेने हैं, एक आपके पास ओरिजिनल फंक्शन होगा, एक अंडर मैपिंग आपके पास होगा। आप इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाते जाओगे, इसके अकॉर्डिंग सेकंड वाले प्लेन में इमेज के अंदर चेंजेस आते जाएंगे और फिर उन दोनों की कंडीशंस को एट द एंड आप देखोगे कि किस कंडीशन के साथ आप कह सकते हो कि ये फंक्शन कॉनफॉर्मल बन गया है। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले कोई से आपने दो प्लेन ले लिए, एक जेड प्लेन ले लिया है, एक उसका इमेज ले लिया जो कि डब्ल्यू प्लेन है। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई से दो पॉइंट ले लेने हैं जेड वन और जेड टू जी प्लेन के अंदर। यहाँ पे मैंने यही बात लिखी है, लेट जेड वन एंड जेड टू बी टू पॉइंट्स इन जी प्लेन एंड डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू बी टू पॉइंट्स इन डब्ल्यू प्लेन रिस्पेक्टिवली। आप देखिए ये ओरिजिनल प्लेन है, ये उसका इमेज है। अगर आप कोई से दो पॉइंट जेड प्लेन में लोगे तो जाहिर सी बात है आपको इन दोनों का इमेज कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मिल रहा होगा। कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे ही मिलेगा, इसके इमेज से आपको यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है। मैंने रैंडमली इस दोनों पॉइंट्स का इमेज यहाँ अपलोड कर लिया है कि जेड वन का इमेज डब्ल्यू वन है और जेड टू का इमेज आपके पास डब्ल्यू टू है। पहली चीज़ ये ले ली, दो प्लेन ले लिए, दोनों के अंदर दो दो पॉइंट डिफाइन कर दिए। पॉइंट डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या था, आपने कह दिया सी वन एंड सी टू बी एनी टू कर्व्स एट जी वन एंड जी टू एंड सी वन डैश एंड सी टू डैश बी एनी टू कर्व एट डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू। बेसिकली जब आपने ये काम कर लेना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने जी वन के ऊपर से भी एक कर्व गुजार देना है, जी टू के ऊपर से भी एक कर्व गुजार देना है। जब आप यहाँ पर ओरिजिनल में जी वन के ऊपर से एक कर्व गुजारोगे तो इमेज के अंदर डब्ल्यू वन के ऊपर से भी एक कर्व गुजर जाएगा। जब आप यहां पे Z2 के अंदर से एक कर्व गुजारोगे तो यहां पे उसकी मैपिंग के अंदर W2 के अंदर से भी एक कर्व गुजर जाएगा। बेसिकली जो Z1 है वो रिलेट कर रहा होता है W1 के साथ और जो Z2 है वो रिलेट करेगा W2 के साथ। जो चेंजेस Z1 में आएंगे उसके अकॉर्डिंग W1 चेंज होगा, जो चेंजेस Z2 में आएंगे उसके अकॉर्डिंग W2 चेंज होगा। ये कॉनफॉर्मल की डेफिनेशन है, उसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। यहां पे यही बात लिखी है, जो Z1 पे आपके पास देखें कर्व बना उसको C1 का नेम दे दिया, जो Z2 पे कर्व बना उसे C2 का नेम दे दिया। अब इस पे कर्व बना था तो यहाँ पे भी कर्व बनना था, जो W1 पे कर्व बना वो C1 था, यहाँ पे C1 डैश कह दिया, C2 का जो इमेज था उसको मैंने C2 डैश कह दिया। अब कॉनफॉर्मल मैपिंग ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एक प्लेन है उसके अंदर से दो पॉइंट के ऊपर से आपने कर्व गुजार दिया है, उस कर्व को गुजारने के बाद आपने उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने होते हैं। यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, ओरिजिनल में उसके इमेज में भी टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। अगर टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद दोनों के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो आपके पास सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड के साथ आएगा तो आप कहोगे कि वो कॉनफॉर्मल है। अगर वो सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड के साथ नहीं आएगा तो आप कहोगे वो कॉनफॉर्मल नहीं है। अब यहाँ पे ये देखें, स्टार्टिंग में यही चीज़ थी, प्लेन ले लिया था, दो पॉइंट्स ले लिए थे, हमने कर्व ड्रॉ कर लिए। कर्व ड्रॉ करने के बाद जो इसका मीटिंग पॉइंट होगा या सेंटर होगा उसको जी नॉट कह देना है, जो इसका मीटिंग पॉइंट या सेंटर होगा उसे डब्ल्यू नॉट कह देना है, क्योंकि ये जी प्लेन है, ये डब्ल्यू प्लेन है। आप देखिए ये जी वन की कर्व ये थी, आपने उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया वो जी वन डैश हो गया, जी टू के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया वो जी टू डैश हो गया। इसी तरह यहाँ पे आपके पास W1 था, W1 के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया वो W1 डैश हो गया, W2 के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया वो W2 डैश हो गया। अब जो इन दोनों टेंजेंट्स के दरमियान बनने वाला एंगल है उसे थीटा वन कह दें, इन दोनों के बनने वाले को एंगल को थीटा टू कह दें। अगर आपके पास इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल बना है वो सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड के साथ आया है तो आप कहोगे कि ये कॉनफॉर्मल मैपिंग है। अगर वो सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड के साथ नहीं आया तो आप कहोगे वो कॉनफॉर्मल नहीं है। डायरेक्शन आप बेसिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से देखते हो कि अगर ये भी इसी डायरेक्शन में आपके पास आ रहा हो और यहाँ पर भी सेम यही डायरेक्शन आ रही हो तो आप कहोगे ये कॉनफॉर्मल है। नेक्स्ट यही बात लिखी हुई है कि इफ़ थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू, ये दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल हैं, डैट इज़ द एंगल बिटवीन सी वन एंड सी टू एंड सी वन डैश एंड सी टू डैश आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन वी से डेट कॉनफॉर्मल मैपिंग हैपन्ड।
अगर इनका एंगल सेम होगा तो आप कहोगे कॉन्फॉर्मल मैपिंग आपके पास अक्कर हो गई है। अब ये चीज़ जो जिल की बुक है वहाँ डायरेक्ट बताई हुई है, लेकिन आपने इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है, उससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, पॉइंट लोगे, कर्व प्लॉट करोगे, उसका मीटिंग पॉइंट निकालोगे, उसके बाद उसके टेंजेंट्स निकालोगे, डेरिवेटिव लेके और देन एंगल कैलकुलेट करोगे। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि कैसे करना है आप लोगों ने इसको। देखिए ये इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 है। इसके ऊपर मेंशन भी किया हुआ है कि ये मैग्नीट्यूड एंड सेंस ऑफ एंगल की फॉर्म में आपने सॉल्व करनी है। अगर ना भी मेंशन किया जाता आपको उसकी कंडीशन से और उसकी डायग्राम से पता चल जाना था कि आपने कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना है। स्टेटमेंट में आपको कहा हुआ है कि आपको कोई से स्मूथ कर्व C1 और C2 दिए हुए हैं आर शोन इन फिगर। फिगर का मतलब ये क्वेश्चन के अंदर उन्होंने डायग्राम भी डिफाइन की हुई है। Z1 की वैल्यू दे दी है, Z2 की वैल्यू दे दी है, उसका मीटिंग पॉइंट बता दिया आपके पास क्या है। आपने इन सारी कंडीशंस को यूज़ करके बताना है क्या इससे बनने वाली जो मैपिंग है वो कॉन्फॉर्मल होगी या नहीं होगी। अब आपको सबसे पहले तो बच्चों ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ Z1 है और Z2 है, आपको इसको मैपिंग के अंडर ला के W1 W2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर वहाँ पर W0 कैलकुलेट करोगे इस रिस्ट्रिक्शन को यूज़ करके। फिर इनके टेंजेंट्स निकालोगे, क्योंकि मैंने पीछे आपको यही बताया है कि आपने बेसिकली कर्व्स के जो है टेंजेंट निकालने, फिर उसका एंगल निकालना है। तो हम यहाँ पे यही काम करेंगे। जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए हमेशा मीटिंग पॉइंट जो होता है वो उसके अंदर पुट करते हो, उसके डेरिवेटिव निकालते हो और उसका एंगल कैलकुलेट कर लेते हो। और W वाली चीज़ के लिए पहले उसकी मैपिंग यानी इमेज फाइंड आउट करते हो, फिर उसके भी W1 W2 निकालते हो, पॉइंट पुट करते हो, डेरिवेटिव निकालते हो और एंगल कैलकुलेट कर लेते हो। ये चीज़ आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आपको क्वेश्चन के अंदर रिस्ट्रिक्शंस बता के कह दिया, आपने शो करवाना है कि कर्व आपके पास कौन फॉर्मल है या नहीं है, बेसिकली कैलकुलेट करना है। ये दो डायग्राम्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ओरिजिनली गिवन है, और मैपिंग भी आपको डायग्राम के साथ उन्होंने बताई हुई है। देखिए ओरिजिनल डायग्राम में एक जी प्लेन है, एक C1 कर्व है, C2 कर्व है, उसका मीटिंग पॉइंट Z0 है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर बता दी है। Z1 और Z2 हमने खुद कैलकुलेट करने और उसका एंगल भी निकालना है। इसी तरह देखें आपके पास बेसिकली यहाँ पे भी C1-C2- बताए हुए हैं, W1-W2- की वैल्यू अननोन है, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी और यहाँ पे बता दिया है। अब इस डायग्राम को अगर आप MCQ के रिस्पेक्ट से देखते हैं तो MCQ के रिस्पेक्ट से हम डायग्राम को देख के बता सकते हैं क्या ये कॉन्फॉर्मल है या नहीं है, क्योंकि सारे का सारा काम बेसिकली इन दोनों के एंगल्स पे होता है। अगर आप यहाँ पे चेक करो इसका एंगल π/4 है, अगर आप यहाँ पे एंगल चेक करो इसका एंगल π/4 है। एंगल तो दोनों का इक्वल है, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखें आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है और इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रही है। यानी यहाँ से एक बात की क्लैरिटी आती है कि आपके पास दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर डायरेक्शन आपके पास सेम नहीं है तो ये कॉन्फॉर्मल नहीं होगा। बट ये तो थ्रू डायग्राम है, हम इसको सॉल्व करके थ्रू द क्वेश्चन बताएंगे कि आपके पास एक कॉन्फॉर्मल मैपिंग नहीं बनती। अब उसके लिए इसके